अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जालिश व्लॉग्स। और आज का व्लॉग फिर से स्टार्ट हुआ है घूमने फिरने से। एज़ यूजुअल मेरा व्लॉग इसी चीज़ों से स्टार्ट होता है। और ये मैं गई थी अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए, कि वो जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि वो इतनी दूर जा रही है और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और इसके बाद शॉपिंग वगैरह करने आने के बाद फिर मैंने दिल किया कि मैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाऊँ। अल्फ्रेडो पास्ता की अनफॉर्चुनेटली मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि मैं थक के बहुत ज़्यादा थक गई थी शॉपिंग करके। और उसके बाद आके ज़रा हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ। तो बस ये देखें, उसके साथ साथ मैंने नगेट्स वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हमारे मतलब नगेट्स और ये अल्फ्रेडो पास्ता बड़े शौक से खाया जाता है ना। तो वैसे तो मैं फ्रोज़न ही यूज़ करती हूँ, घर मैंने कभी बना के नहीं देखे, बट मैंने रेसिपीज़ बहुत फॉलो की हुई हैं, तो शायद इन फ्यूचर मैं बना के देख ही लूँ कि कैसे बनते हैं घर पे भी। वरना मुझे मतलब बाहर के फ्रोज़न ही बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें कि गोल्डन को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इनको फ्राई किया, और इनको फिर अल्फ्रेडो पास्ता के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व किया मैंने। एंड फाइनली दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अल्फ्रेडो पास्ता, लुक सो डिलीशियस एज यूजुअल। अगला दिन स्टार्ट हो गया था तैयारी से अजलान की, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ उसको मिलने के लिए, और साथ उसको अजलान को भी लेके जाना था, क्योंकि उसने अजलान को कहा था कि ज़रूर लेके आना, मैंने इससे मिलना है। और वो मतलब हम पांच फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है साथ। अल्लाह पाक उसको भी अपने जहाँ पर भी वो रहे खुश रहे, अपने हस्बैंड के साथ रहे, और हमेशा मतलब ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। और ये मैंने बैग लिया था उसके लिए, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्या है। और पर्सनली मुझे अपने लिए भी बहुत पसंद आया था, कि मेरा दिल था कि एक मैं भी ले लूं, बट इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी इतने बैग हैं, तो मैंने वो लेके क्या करना है। और ये देखें जी, अजलान को फिर मैंने ऐसे रेडी किया था कैब दे के, ये तो फुल भाई सूटेड बूटेड होके इसको मैं फिर अपने साथ लेके गई थी। इसकी तैयारी तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, ये मैं अपने भाई के साथ जाने लगी थी कि इसको मैं ले जाती हूँ साथ अपने अजलान को, ताकि अजलान फिर अगर मैं मम्मा के पास छोड़ देती ना, बहुत तंग करता है पीछे से उनको ना, फिर वो तंग जाती है कि भाई मुझसे नहीं संभाला जाता, जाओ पकड़ो अपने बच्चे खुद ही ना। तो अजलान को फिर मैं ले गई थी अपने साथ ही, अजलान ने भी बहुत इंजॉय किया वहाँ जाके। और इसकी मतलब मेरी फ्रेंड्स बाद में इसकी पहले बन गई थी, और ये फिर मैं वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था उसने, और हम लोगों ने इसके बहुत इंजॉय किया। और ये देखें अजलान खुद फ़ोन पकड़ पकड़ के घुमा रहा था और अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और ये देखें, और हम दोस्त हैं और हम लोग इतना सफ़ा चट ना करें चीज़ों को, और ये देखें। और ये इसके बाद वो हमें अपने सामान दिखाने लग गई कि जो जो उसने लिए हैं कपड़े वगैरह, और बहुत अच्छा था सारा कुछ। और ये जब जाने का टाइम हो गया तो वो इतना अजलान को प्यार कर रही थी, क्योंकि अब वो 5 सालों के बाद हम लोग मतलब 5 साल हमारी दोस्ती रही है, और अब हम इतनी दूर चले जाना तो मतलब दिल तो उदास होता ही है एज़ यूजुअल। तो बाकी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और मरीम, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये देखिए, अब वापस हम लोग आ गए थे घर वापस आते हुए, मेरा भाई मुझे लेने आया था, और अजलान ने रास्ते में इतना इंजॉय करता आया ना ये लाइटिंग को देख देख के गाड़ी की ना। और ये देखें, इसके घर आकर मैंने फिर फोटोशूट वगैरह किया, और ये बहुत इंजॉय करता है ना गिटार को भी, और गिटार इसको बड़ा मज़ा आता है ना। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके मैंने फिर ये लेफ़्ट ओवर फूड था बचा हुआ, घर में गेस्ट आए हुए थे तो उनका वो मैंने बचा हुआ खाया। और उसके बाद ये पेरी बाइट्स में थे। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।